वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। ये टूटी हुई दीवार, ये बिखरे हुए ईंट और ये नेस्तनाबूद हुआ ढेर देख रहे हैं आप। ये कोई मकान नहीं, ये मजार हुआ करती थी जो गुस्से का शिकार बनी। ये हाल तब हुआ जब सब्र की सीमा टूट गई। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रातों रात इसे तहस नहस कर दिया। हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो। तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की है। इस अवैध मजार से हाल ही में सेक्स और स्त्रियों को वश में करने सहित कई तरह की दवाएं मिली थी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक बल्लभगढ़ पंचायत भवन की जमीन पर बनाई गई मजार को हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रात को तोड़ दिया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने थाना शहर प्रभारी सतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से बदलकर उनके स्थान पर सत्यभान को नया थाना प्रभारी बना दिया है। कहा जा रहा है कि मजार टूटने के बाद शहर में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि स्थानीय लोगों को मंगलवार दोपहर को शिकायत मिली थी कि मजार के टॉयलेट में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी है। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें वहां से नशीली सेक्स वर्धक दवाओं के साथ इस्लामी किताबें और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई, जिससे लोग उस अवैध मजार को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां इकट्ठे लोगों ने रिपोर्टर को बताया कि मजार के मौलवी का नाम अब्दुल गफ्फार है, जो हिंदू महिलाओं को बहकाने के लिए अपना नाम बबली बताया करता था। बल्लभगढ़ के इस मजार के बाहर जो बोर्ड लगा था उस पर लिखा था बाबा भूरे शाह की दरगाह। कहने को तो ये अल्लाह की इबादत की जगह थी, पर मजहब की आड़ में जो खेल चल रहा था उसने सबको न सिर्फ हैरान किया बल्कि वो सवाल फिर से खड़ा कर दिया जो अक्सर पूछे जाते हैं कि आखिर क्यों कोई मौलवी, कोई उलेमा, कोई लिब्रांडो और सेकुलर का चोला ओढ़े पहने नेता ऐसे मौलवियों के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर पाते। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।